हेलो पिल्लाने आज आम तेल कौन पढ़ा आज आम तुम अनुशीलनी 2b र दुई नंबर टू करवा आम प्रीवियस क्लास रे तुम एक नंबर करदे तुम्हें जदि से वीडियो देखा चाहच ताले प्लेलिस्ट को जाओ द्विघात समीकरण ना रे गोटे प्लेलिस्ट अच्छी से प्लेलिस्ट तुमको अनुशीलनी 2a र सब नंबर आउ अनुशीलनी 2b र एक नंबर मिल जाव तुम सब से वीडियो देखा चाहच ताले देखिपार ताहले आज आम दुई नंबर करवा तुम दुई नंबर प्रश्न देम्नलिखित प्रश्न मानक उत्तर दि तुमको कतोटी प्रश्न देर उत्तर करने को देखे फास्ट क्वेश्चन तुम्हारे अच्छी गोटे धनात्मक संख्या तहार वर्गमूल अपेक्षा बार अधिक संख्याटी निरूपण कर ताहले एठी आमको देइछि गोटे धनात्मक संख्या। धनात्मक संख्या तुम्हें जान कि नहीं धनात्मक संख्या ऋणात्मक संख्या ये सब तुम पूर्व क्लास रे पढ़िच षष्ठ बोध स्टार्ट होता धनात्मक संख्या ऋणात्मक संख्या कौन धनात्मक संख्या हूँ सब आम जहाँ पूर्व प्लस चिन्ह थाए दुई तीन चार पाँच ये सब हूँ सब धनात्मक संख्या आ माइनस वन माइनस टू माइनस थ्री एसब जहाँ पूर्व सब माइनस अच्छी से सब हूँ ऋणात्मक संख्या तुम मन अच्छे कि नहीं आमको से गोटे धनात्मक संख्या नाक आई धनात्मक संख्यार वर्गमूल अपेक्षा धनात्मक संख्याटी बार अधिक माने आमे जो धनात्मक संख्या नबा से संख्याटर वर्गमूल अपेक्षा से धनात्मक संख्याटी बार अधिक आमको देखिए संख्याटी निरूपण करने को प्रश्नटा भल भाव बुझीगल तुमको प्रथम प्रश्नटी को भल भाव बुझा हम तुम्हें जब प्रश्न न बुझिपार ता उत्तर करें प्रथम प्रश्नटी को भल भाव पढ़ के बुझे जाकि उत्तर कर देख एठी आमको जेहेतु वर्गमूल आमे जदि धनात्मक संख्याटी को एक्स स्क्वायर नहीं जीपा आमको ता वर्गमूल बाहर करने को सुविधा हे से गोटे धनात्मक संख्या नहीं गले एक्स स्क्वायर तार वर्गमूल है एक्स स्क्वायर वर्गमूल हूँ एक्स ताले प्रश्नानुसार लिखिले ताले आमको प्रश्न कौन दे गोटे धनात्मक संख्या माने एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर तार वर्गमूल अपेक्षा बार अधिक माने एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर वर्गमूल के एक्स माने एक्स स्क्वायर हूँ एक्स अपेक्षा बार अधिक माने एक्स रे बार जोग हम ताले एक्स स्क्वायर इक्वाल टू एक्स प्लस ट्वेल्व केमती है बुझिपार आमको प्रश्न ही दे तापर ये जो एक्स प्लस ट्वेल्व आमर एपटे अच्छी आम सब एपट को नहीं आसवा तो एपट को नहीं आसलु यहाँ है माइनस एक्स आईटा हो गला माइनस ट्वेल्व इक्वाल टू जीरो आमर ए के हूँ वन बी हूँ माइनस वन सी हूँ माइनस ट्वेल्व सेटा लिखिदेले तापर आम सूत्र पकईद ये सूत्रटा तुम मन अच्छे कि ना आम पढ़ी तुम जो बेसिक कनसेप्ट क्लास आम सूत्र विषय डिस्कसन करते सूत्रटा कौन माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस फोर एस रूट ओवर बाय टू ए सूत्रटी को भलसे मन रखिद जदि तुम ये सूत्र मन न रख तुमको गणित करार असुविधा हम से सूत्रटी को सब सूत्र तुम जिते सब सूत्र अच्छे सूत्र सब भलसे मन रख जदि सूत्र मन न रख तुम्हें मैथ करना से सूत्रटा मन रखिद ताले ए सूत्रटा आम लिखिदे मूल्य पकईदे बी रूल्य के बी रूल्य माइनस वन से बी जगार माइनस वन पकईदे आउ यो माइनसटा ये रहा प्लस माइनस बी जगार मूल्य पकईदे माइनस वन स्क्वायर माइनस फोर इंटू वन इंटू माइनस ट्वेल्व ए सी रूल्य पकईदे टू इंटू वन ए जगार वन पकईदे माइनस माइनस प्लस हो गला से खाली वन रहा प्लस माइनस वन प्लस फोर्टी एट या समाधान करदे बाहर इतक तापरे बाय टू टू इंटू वन हो गला टू तापरे इक्वल टू वन प्लस फोर्टी नाइन रूट ओवर वन प्लस फोर्टी एट हो गला फोर्टी नाइन तार रूट ओवर बाय टू तापरे फोर्टी नाइन रूट ओवर हो गला सेवेन ताले ए जाए बुझिपारल तापरे प्लस माइनस अच्छे आम प्रथम लिखीद वन प्लस सेवेन बै टू तापरे वन माइनस सेवेन बै टू तापर ताक आम गोटे बाहर फोर आ गोटे बाहर माइनस थ्री आमर माइनस थ्रीटा असंभव से आम संख्याटी बाहर फोर जो आम संख्या बाहर किंतु आम ये नहीं धनात्मक संख्याटी के एक्स स्क्वायर से आमको एक्स स्क्वायर मूल्य बाहर करने को पड़ो जेहेतु आम एक्स बाहर फोर से एक्स स्क्वायर बाहर करदे हूँ सिक्सटीन तेल संख्याटी आम सिक्सटीन तेल बुझिपार ए किसी कष्ट सहज गंतटा ताप नेक्स्ट क्वेश्चन देख गोटे संख्या एवं तहार व्युत्क्रमर समष्टि 41 बाय 20 हेले संख्याटी स्थिर कर गोटे संख्या एवं तहार व्युत्कर्म व्युत्कर्म कौन
ଯଦି ଆମେ ଏଇଠି ଦେଖ ତମେ ଏଇଠି ବୁଝିପାରିବା, ମାନେ ଆମର ମନେକର ସଂଖ୍ୟାଟି ନେଲା ଏକ୍ସ, ଏକ୍ସର ବ୍ୟୁତ୍କର୍ମ କେତେ? 1/x, କାହିଁକି ନା ଏକ୍ସ ତଳେ 1 ଅଛି। ଆମେ ଯଦି ତାକୁ ଓଲଟେଇକି ଲେଖିବା, 1ଟା ଉପରକୁ ପଳାଇବା, 1/x। ଏମିତି ଯଦି ମୁଁ କହିବି ସଂଖ୍ୟାଟି ହେଉଛି 2, ତାହେଲେ 2ର ବ୍ୟୁତ୍କର୍ମ କେତେ? 1/2। ସେମିତି 3ର ବ୍ୟୁତ୍କର୍ମ କେତେ? 1/3। ତାହେଲେ ବୁଝିପାରିଲ ବ୍ୟୁତ୍କର୍ମ କ'ଣ? ଯେମିତିକି ଆମର ସେଇ ସଂଖ୍ୟାଟି ଆଉ ତା'ର ବ୍ୟୁତ୍କର୍ମକୁ ଗୁଣିଲେ ଯେମିତି 1 ହୋଇଥିବ। ତମେ ଦେଖ, ଯଦି ଆମେ ସଂଖ୍ୟାଟି ନେଲେ 2, 2ର ବ୍ୟୁତ୍କର୍ମ କେତେ? 1/2। ଯଦି ଆମେ 2 ଆଉ 1/2କୁ ଗୁଣିବା ତାହେଲେ 1 ହେଉଛି କି ନାହିଁ? ସେମିତି ଏକ୍ସ ଆଉ ତା'ର ବ୍ୟୁତ୍କର୍ମ ହେଉଛି 1/x। ଯଦି ଆମେ ଏକ୍ସ ଆଉ 1/x ଗୁଣିବା ତାହେଲେ ବି ବ୍ୟୁତ୍କର୍ମ 1, ତା'ର ଗୁଣଫଳ 1 ହେବ କି ନାହିଁ? ସେଥିପାଇଁ ଏକ୍ସର ବ୍ୟୁତ୍କର୍ମ ହେଉଛି 1/x। ତାପରେ ଆମକୁ ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଇଛି ସେଇ ସଂଖ୍ୟା ଆଉ ତା'ର ବ୍ୟୁତ୍କର୍ମର ସମଷ୍ଟି 41/20, ମାନେ ଏକ୍ସ ଆଉ 1/x ସମଷ୍ଟି 41/20। ତାହେଲେ ସେଇଟା ଲେଖିଦେଲେ ପ୍ରଶ୍ନ ଅନୁସାରେ ଏକ୍ସ ପ୍ଲସ୍ 1/x ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ 41/20। ତାପରେ ତାକୁ ସମାଧାନ କରିଦେଲେ, ଆମର ଲସ୍କୁ ନେଇଗଲେ ତଳେ ଆମର ଏକ୍ସ ହେଲା, ତାପରେ ଏକ୍ସକୁ ଏକ୍ସରେ ଗୁଣିଦେଲେ ହେଲା ଏକ୍ସ ସ୍କୋୟାର, ଏଇଟା ହେଲା ପ୍ଲସ୍ 1 ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ 41/20। ତାପରେ କ୍ରସ୍ ମଲ୍ଟିପ୍ଲିକେସନ୍ କରିଦେବା, ଏକ୍ସ ସ୍କୋୟାର ପ୍ଲସ୍ 1କୁ 20ରେ ଗୁଣିଦେବା ଆଉ 41କୁ ଏକ୍ସରେ ଗୁଣିଦେବା। ତାହେଲେ 20 ହୋଲ୍ ଇନ୍ ଟୁ ଏକ୍ସ ସ୍କୋୟାର ପ୍ଲସ୍ 1 ଲେଖିଦେଲେ, ତାପରେ 41x ଲେଖିଦେଲେ, ତାପରେ 20କୁ ଏକ୍ସ ସ୍କୋୟାର ପ୍ଲସ୍ 1ରେ ଗୁଣିଦେବା, ଏଇଟା ହେଲା 20x ସ୍କୋୟାର ପ୍ଲସ୍ 20। 41x ଏପଟକୁ ନେଇ ଆସିଲେ ସେଇଟା ହେଇଗଲା ମାଇନସ୍, ମାଇନସ୍ 41x ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ 0। ତାପରେ ସଜାଇକି ଲେଖିଦେବା, 41x ଆମେ ଏପଟକୁ ନେଇ ଆସିବା, ମାନେ ସଜାଇକି ଲେଖିଦେବା ଆଉ 20ଟାକୁ ପଛକୁ ନେଇଯିବା। ତାହେଲେ ଲେଖିଦେଲେ 20x² ମାଇନସ୍ 41x ପ୍ଲସ୍ 20 ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ 0। ତାହେଲେ ଏଠି ଆମର ଏ କେତେ? ଏ ହେଉଛି 20, ବି ହେଉଛି ମାଇନସ୍ 41, ସି ହେଉଛି 20। ତାପରେ ସୂତ୍ର ପକାଇଦେଲେ, ମାଇନସ୍ ବି ପ୍ଲସ୍ ମାଇନସ୍ ବି ସ୍କୋୟାର ମାଇନସ୍ 4x ରୁଟ୍ ଓଭର୍ ବାଇ 2। ଆମେ ଯେଉଁ ସୂତ୍ର ପକାଇଥିଲେ ଆ ପୂର୍ବଗନ୍ତରେ ଆଇରେ, ସେଇଥିରେ ଏଇ ସୂତ୍ର ଡବଲ୍ ଆଇରେ ବି ଆମେ ପକାଇଛେ। ଏଇଟାକୁ ତମେ ସମାଧାନ କରିପାରିବ ମୁଁ ଭାବୁଛି, ଏଥିରେ କିଛି କଷ୍ଟ ନାହିଁ, ତମେ ନିଜେ ଚାହିଁଲେ ସମାଧାନ କରିପାରିବ। ଏଥିରେ କେବଳ ସୂତ୍ର ଜାଗାରେ ଆମେ ସୂତ୍ର ଜାଗାରେ ଏ ବି ସିର ମୂଲ୍ୟ ପକାଇଛେ ଏଠି, ତାପରେ ତାକୁ ସମାଧାନ କରିକି ଆମର ବାହାରିଛି। ତାପରେ ଏଠି ପ୍ଲସ୍ ମାଇନସ୍ ଯେଉଁ ଅଛି, ପ୍ରଥମେ ପ୍ଲସ୍କୁ ଲେଖିଦେଲେ, ତାପରେ ମାଇନସ୍କୁ ଲେଖିଦେଲେ, ତାପରେ ମୂଲ୍ୟ ବାହାରିଗଲା ଆମର 5/4 ଆଉ 4/5। ତାହେଲେ ସଂଖ୍ୟାଟି କେତେ? 5/4 ଆଉ 4/5। ଏଠି ଆମକୁ ପଚାରିଥିଲା ସଂଖ୍ୟାଟି ସ୍ଥିର କର, ଆମର 2ଟି ସଂଖ୍ୟା ବାହାରିଗଲା, ତମେ ଆ ଭିତରୁ ଯେକୌଣସି ଗୋଟିଏ ସଂଖ୍ୟା ଲେଖିପାରିବା। 5/4 ଲେଖିଲେ ବି ତମର ଠିକ୍ ହେବ, 4/5 ଲେଖିଲେ ବି ଠିକ୍ ହେବ। ଏଠି ବି ତମେ ଦେଖ, 5/4କୁ ବି ଓଲଟେଇଲେ ଆମର ସେଇ 4/5 ହେଉଛି, 4/5କୁ ବି ଓଲଟେଇଲେ ସେଇ 5/4 ହେଉଛି। ସେଥିପାଇଁ ତମେ ଯେଉଁ ସଂଖ୍ୟା ଲେଖିଲେ ବି ଭୁଲ ହେବନି, କେବଳ ଗୋଟିଏ ସଂଖ୍ୟା ଲେଖିପାରିବ। ତାପରେ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖ, 2ଟି କ୍ରମିକ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସଂଖ୍ୟାର ବ୍ୟୁତ୍କର୍ମ ଭଗ୍ନ ସଂଖ୍ୟା ଦ୍ୱୟର ଯୋଗଫଳ 11/30 ହେଲେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସଂଖ୍ୟା ଦ୍ୱୟକୁ ନିରୂପ କରିବା ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ ଦ୍ୱିଘାତ ସମୀକରଣ ଗଠନ କରି ସଂଖ୍ୟା ଦ୍ୱୟ ନିରୂପଣ କର। ଏଇଟା ଟିକେ ତମକୁ କଷ୍ଟ ଲାଗୁଛି ପ୍ରଶ୍ନ ପଡ଼ିଲା ବେଳକୁ, କିନ୍ତୁ ପୁରା ସହଜ ଗଣିତଟା କିଛି ବି କଷ୍ଟ ନାହିଁ। ଦେଖ, ପ୍ରଥମେ ଆମକୁ ଦେଇଛି 2ଟି କ୍ରମିକ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସଂଖ୍ୟା, ପ୍ରଥମେ ପ୍ରଶ୍ନକୁ ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝିବ। ଦେଖ, ଏଠି ଦେଇଛି କ୍ରମିକ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସଂଖ୍ୟା, ତାହେଲେ କ୍ରମିକ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସଂଖ୍ୟା ଦେଇଛି ଆମେ ମନେକର ଗୋଟିଏ ସଂଖ୍ୟା ନେଇଯିବା ଏକ୍ସ, ତାପରେ ଦେଇଛି କ୍ରମିକ, କ୍ରମିକ ମାନେ ତା ପର ସଂଖ୍ୟା କି ପୂର୍ବ ସଂଖ୍ୟା। ତାହେଲେ ଏକ୍ସର ପର ସଂଖ୍ୟା ଆମେ କେମିତି ବାହାର କରିବା? ଏକ୍ସ ପ୍ଲସ୍ 1 କରିଦେଲେ ଆମର ଏକ୍ସର ପର ସଂଖ୍ୟା ସେଇଟା, ସେଥିପାଇଁ କ୍ରମିକ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସଂଖ୍ୟା ଦ୍ୱୟ ଆମେ ନେଇଗଲେ ଗୋଟେ ଏକ୍ସ ଆଉ ଗୋଟେ ଏକ୍ସ ପ୍ଲସ୍ 1। ତାପରେ ଦେଇଛି ସେଇ କ୍ରମିକ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସଂଖ୍ୟା ଦ୍ୱୟର ବ୍ୟୁତ୍କର୍ମ, ତାହେଲେ ଏକ୍ସର ବ୍ୟୁତ୍କର୍ମ କେତେ? ଏକ୍ସର ବ୍ୟୁତ୍କର୍ମ 1/x, ଏକ୍ସ ପ୍ଲସ୍ 1ର ବ୍ୟୁତ୍କର୍ମ 1/x ପ୍ଲସ୍ 1। ତମେ ପ୍ରଶ୍ନ ସାଙ୍ଗରେ ଏମିତି କରି ଯିବ, ସେ ତାପରେ ତମକୁ ଲାଷ୍ଟକୁ ଆନ୍ସର୍ ବାହାରିଯିବ ପୁରା ସହଜରେ। ତାପରେ ଆମକୁ ଦେଇଛି ପ୍ରଶ୍ନ ଅନୁସାରେ ସେଇ ବ୍ୟୁତ୍କର୍ମ ଭଗ୍ନ ସଂଖ୍ୟା ଦ୍ୱୟର ଯୋଗଫଳ 11/30, ମାନେ ଆମେ ଯେଉଁ ଏଇ 2ଟି ବ୍ୟୁତ୍କର୍ମ ବାହାର କଲେ ଏଇ 2ଟିର ଯୋଗଫଳ ହେଉଛି 11/30, ଆମକୁ ସେଇଟା ପ୍ରଶ୍ନରେ ଦେଇଛି। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଲେଖିଦେଲେ ପ୍ରଶ୍ନ ଅନୁସାରେ 1/x ପ୍ଲସ୍ 1/x ପ୍ଲସ୍ 1 ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ 11/30। ତାହେଲେ ବୁଝିପାରିଲ, ତାପରେ ଆମେ ତାକୁ ଭଗ୍ନାଂଶ ମିଶାଣ କରିଦେଲେ, ତଳେ ଆମର ଲସାକୁ ହେଇଗଲା କେତେ? ଏକ୍ସ ହୋଲ୍ ଇନ୍ଟୁ ଏକ୍ସ ପ୍ଲସ୍ 1 ଲସାକୁ ନେଇଗଲେ, ତାପରେ ଉପରେ ହେଇଗଲା ଏକ୍ସ ପ୍ଲସ୍ 1/x, ତାପରେ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ 11/30। ତାପରେ ଏକ୍ସ ପ୍ଲସ୍ ଏକ୍ସ ହେଇଗଲା 2x, ପ୍ଲସ୍ 1 ରହିଲା, ଏକ୍ସକୁ ଏକ୍ସରେ ଗୁଣିଦେଲୁ ହେଲା ଏକ୍ସ ସ୍କୋୟାର, ଏକ୍ସକୁ 1ରେ ଗୁଣିଲୁ ହେଲା ଏକ୍ସ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ 11/30। ତାପରେ 30କି 2x ପ୍ଲସ୍ 1ରେ ଗୁଣି ଦେଇଛେ, ଏକ୍ସ ସ୍କୋୟାର ପ୍ଲସ୍ ଏକ୍ସକୁ 11ରେ ଗୁଣି ଦେଇଛେ, କ୍ରସ୍ ମଲ୍ଟିପ୍ଲିକେସନ୍ କରିକି ଏଠି ଲେଖିଦେଇଛେ। ତାପରେ ସବୁକୁ ଗୁଣିଦେବା, 30କୁ 2x ଗୁଣିଲୁ ହେଲା 60x, ତାପରେ ହେଲା ପ୍ଲସ୍ 30 ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ 11x ସ୍କୋୟାର ପ୍ଲସ୍ 11x। 11କୁ ଏଇ 2ଟି ଟର୍ମରେ ଗୁଣି ଦେଇକି ଲେଖିଦେଲେ, ତାପରେ ଆମେ ଏଇ ଯେଉଁ 11x
स्क्वायर प्लस इलेवेन एक्स लिखिदे आ सिक्सटी एक्स प्लस थर्टी को एपट को नहीं आसे जहाँफल कि माइनस होगा इक्वल टू जीरो इलेवेन एक्स माइनस सिक्सटी एक्स के माइनस फोर्टी नाइन एक्स आम ये ए बी सी लिखिदे ए आमर एटी के हूँ इलेवेन बी हूँ माइनस फोर्टी नाइन सी हूँ माइनस थर्टी तापर आम एक्स रूल्य बाहर करवा से ही सूत्र पकईदे माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस फोर एस रूट ओवर बै टू ए तापर तुमको आसवे मुझे भावुची एथेरे किसी कष्ट ना केवल सूत्र जो आम पकईले से सूत्र जगह ए बी सी मूल्य पड़ी समाधान होमें देख जदि भी आसुनी तुमको थे देखीदे भी तुम्हें बुझीज यहाँ तुमको यहाँ भी सहज किसी एना केवल तुम समाधान करदेव ए प्लस माइनस आ रूट ओवर एक समाधान बाहरी आउ कि कष्ट ना तेल बाहर करदे आम यहाँ आमर हो गला 49 प्लस माइनस 61 बाय 22 तापर प्रथम प्लस लिखिदे माइनस लिखिदे से बाहर गोटे 5 आ गए माइनस 6 बाय 11 जोटा कि असंभव से संख्या टू आम 5 आ तार क्रमिक संख्या देखिए 5 क्रमिक संख्या के 6 से संख्या जो आमर है 5 एवं 6 ताले बुझिपार तापर नेक्स्ट क्वेश्चन देख दुईट क्रमिक पूर्ण संख्यार व्युत्क्रमर समष्टि 23 बाय 132 हेले संख्या देव निर्णय कर एटा पूरा ट्रिपल आई तुम जो क्वेश्चन देती आई भी भी डिटो से क्वेश्चन एटा तुमको बुझे मुझे भावुची बुझे पड़बनी जो तुम ट्रिपल आई बुझीगल आई भी भी तुम निजे निजे कर तेल देख प्रथम आम सेम दुईट क्रमिक पूर्ण संख्या नहीं गले सेठी जमी नहीं थे एक्स आउ एक्स प्लस वन तापर तार व्युत्कर्मर समष्टि लिखिदे समाधान करदे एथेरे आउ किसी भी तुमको बुझे मुझे भावुची तुमको बुझे पड़बनी तुम्हें आपे आपे करदे आमर ये समीकरण टी बाहरी गलापर ए बी सी लिखिदे पुणी सूत्र पकईदे से ही सूत्र ए बी सी मूल्य पकईकि आमर समाधान हो जाए ए कष्ट ना तेल आमर दुईट आंसर बाहर गोटे है पाँच छः बै छयास आ गए माइनस चबीस बै छयास जोटा कि असंभव आमर आंसर हो इलेवेन यटा को आम भाग करदे आम हम इलेवेन तेल आमर गोटे बाहर इलेवेन आ गए क्रमिक देखिए एक्स प्लस वन इलेवेन प्लस वन इक्वल टू ट्वेल्व तेल संख्या देव के इलेवेन आउ ट्वेल्व पूरा सहज गंत गुड़ाक ए किसी कष्ट ना तापर भिटा देख जदि 51 को दुई भाग कले से गुणफल 378 हुए तेज संख्या दे निर्णय कर ताल आम मनकर गोटे संख्या नहीं जा एक्स अगर संख्या नहीं जा 51 माइनस एक्स कहीं आमर 51 को दुई भाग करने को देखिए आम 51 को दुई भाग करदे गोटे एक्स हेल्ले आ गए 51 माइनस एक्स हम तेल प्रश्न अनुसार देखिए आमर से गुणफल 378 मान एक्स आउ 51 माइनस एक्स रुणफल हूँ 378 से आम एमती लिखिदे एक्स होल इंटू 551 माइनस एक्स इक्वाल टू 378 तापर ताकू समाधान करदे एक्स को दुईटा एक टर्म्रे गुणी लिखिदे माइनस एक्स स्क्वायर को आग को नहीं आसे प्लस 51 एक्स 378 को एपट को नहीं आसे जो कि माइनस तापर आमर एक्स स्क्वायर पूर्व जेहतु माइनस अच्छे आम सबुर साइन चेंज करदे सबुर साइन चेंज हेलु एक्स स्क्वायर हो गला प्लस ये प्लस थिला माइनस हो गला ये माइनस थिला प्लस हो गला तापर ए बी सी रा मूल्य लिखिदे ए आमर ये के हूँ वन बी हूँ माइनस 51 सी हूँ 378 तापर एक्स रूल्य आम बाहर करदे सूत्र पकईकि आपरठू तुमको आसव तुम देखीद आम केवल सूत्र पकईचे सूत्र जगह तार मूल्य पकईचे तापर समाधान करके बाहर करचे एउ कि कष्ट ना तेल आमर बाहरी गला गोटे बाहर 42 आ गए बाहर 9 तेल आमर गोटे संख्या बाहर जेहतु 42 बा 9 आ भर तुम जेकोसी गोटे संख्या नहीं पार मुझे देखापी दुईट संख्या नहीं जाइए गोटे आमर एक्स बाहर मनकर 42 तेल आउ गोटे संख्या आम नहीं 51 माइनस एक्स से 51 माइनस 42 हो गला 9 तापर एटा को भी तुम चाहिए नहीं पार 9 से 51 माइनस 9 हो गला 42 तेल संख्या दुईट 9 ओ 42 आमको प्रश्न कौन पचारा प्रश्न पचार संख्या द्वय निर्णय कर मानने 51 को दुई भाग कले जो संख्या द्वय से संख्या द्वय निर्णय कर ताले संख्या द्वय के आम 42 आउ 9 ताले समस्ते बुझीपार कि ना दुई नंबर रे तुम पांचटा गंत थिला आई रु भि जाए किसी कष्ट ना से सब सहज गंत गुड़ाक आज आम केवल दुई नंबर करवा भावे तुम समस्ते सब बुझीपार जोटा भी न बुझीपार से गंतटा को आउ थे भिड पछक नहीं कि देख आउ थे देखने तुम बुझीपार तेल आज आम दुई नंबर करदे आ नेक्स्ट क्लास तुम तीन नंबर ठू करवा।
ତାହେଲେ ଯଦି ତମକୁ ଆଜି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା, ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରିଦିଅ, ଆଉ ତମ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସେୟାର୍ କରିଦିଅ। ଆଉ ଯଦି ତମେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲରେ ପ୍ରଥମ କରି ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖୁଛ, ତାହେଲେ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ବେଲ୍ ବଟନ୍ ପ୍ରେସ୍ କରିଦିଅ, କାହିଁକି ନା ନେକ୍ସଟ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ 3 ନମ୍ବରଠୁ ଭିଡ଼ିଓ ସବୁ ଅପଲୋଡ଼୍ କରିବି, ତମ ପାଖରେ ପ୍ରଥମେ ଭିଡ଼ିଓ ପହଞ୍ଚି ଯାଇପାରିବ।